अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन DHQ अस्पताल लेबर वार्ड इंचार्ज शुमाइलाना में डॉक्टर का मरीजों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया। अस्पताल आई मरीजा को बच्चा पैदा हो गया। अस्पताल आई हुई मरीजा के रिश्तेदारों ने इस बच्चे को अपनी मदद आप के तहत संभाला। इवनिंग ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शुमाइला नामी नर्स अपने मोबाइल में मस्त रहती हैं। तफसीलात के मुताबिक DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन में मौजूद लेबर रूम के अमले का मरीजों के साथ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया। जब फरजाना नामी मरीजा डिलीवरी के लिए अस्पताल में शाम 6 बजे पहुंची तो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद शुमाइला नामी लेडी हेड इंचार्ज लेबर वार्ड में इंतहाई नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। अपने मोबाइल में मसरूफ थी। सबसे पहले तो डॉक्टर ने मरीजा को मुख्तलिफ फजूल किस्म के टेस्ट लिखवाए जिनका डिलीवरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए प्राइवेट क्लिनिक का कहा। इस दौरान मरीजा फरजाना की तबीयत इंतहाई खराब होगी और वहाँ मौजूद चढ़ावाली से आई एक नामालूम औरत की मदद से बच्चा पैदा हो गया। जबकि डॉक्टर शुमाइला ने मरीजों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। मरीज के वरसान का MS मंडी बहाउद्दीन, DCO मंडी बहाउद्दीन और आला जिम्मेदारान अफसरान से इस इंतहाई गैर जिम्मेदार डॉक्टर शुमाइला और दीगर स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं और